हरदम तेरा नाम ले। तुम लोग सोच रहे होगे कि मुझ जैसा कठोर संयमी और सदाचारी पुरुष ऋषि शर्मा से प्रेम कैसे करने लगे। दरअसल बात कुछ ऐसी हुई कि 2 साल पहले एजुकेशन बोर्ड के दफ्तर में मैट्रिक की परीक्षाओं के नंबरों का हम दोनों टोटल कर रहे थे, उसी बीच हमारा नाम मटक गया। तुम उनको बता मत।
कि मैं हार्ड फेल होने से यहाँ आया हूँ। मैं तो हेडमास्टर का घमंड तोड़ना चाहता, बड़ा सदाचारी बनता था, राष्ट्रपति से तमगा ले आया था, जब मैंने उसे तोड़ा तो तमगा बेचकर मेरे चक्कर लगाने लगा। जानती हो झूठ बोलना तो इसने यहाँ भी नहीं छोड़ा, बड़ा हार्ड फेल होने से, और कहता है मैंने तुम्हारे बुरे में आठ हफ्ते कर दिया, मुझे जो करना है जल्दी कर लेना, इन पुरुषों का कोई भरोसा नहीं। ये डॉक्टर चोरी अपने साली की तलाश करते रहता है, अपना बात बताइए ना है? तो मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ प्रेमेंद्र। हाँ बताइए। इस लड़की का कोई पुराना आशिक तो यहाँ नहीं, सावधान रहना, इन लड़कियों का कोई भरोसा नहीं। ये हेडमास्टर ने चोरी चोरी छुपके छुपके अपने स्कूल के ड्रामा टीचर Press the bell icon on the YouTube app and never miss an update from Filmi Gaane. कहती कुछ भी कहती।
हम यहाँ शादी करने के लिए आए थे ना, तुम्हें मुझसे शादी करना ही होगा। चलो मेरे साथ। नहीं चलो मेरे साथ। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं विनोद से प्यार करती हूँ। नहीं कर सकती हो, मैंने क्या क्या सोचा था, स्वर्ग में आकर शादी करेंगे, एक छोटा सा अपना घर बसाएंगे, लेकिन नहीं रखना नहीं। मैं फिर से मर जाऊंगा। लंदन पहुंचा
और टेम्स नदी के पास खड़ा हूँ जी। फिर एक लंबी सांस ले ली जी सर, और फिर क्या, फिर कूद गया। हाँ साहेब, एक बात समझ में नहीं आई, आप दिल्ली से इतनी दूर लंदन क्यों गए? अरे यह मतलब है, आप दिल्ली से पटना जाकर सैदपुर के नाले में भीतर कूद के मर सकते थे। अरे सैदपुर के नाले में कूदता तो हर मेजस्टी मेरे बारे में क्या सुनना नहीं चाहता। हर मेजस्टी सर, न्यूजीलैंड की महारानी। अच्छा ये बताओ तुम यहाँ क्या करते हैं? मामला गंभीर है सर। बोलो। और मुझे धोखा दे गई सर। अरे बाप रे बाप। देखो ये पॉलिसी का मामला ऊपर से तय हो, तुम एक बार पॉलिसी तय करा लो, फिर अमल में तुम जैसा कहोगे वैसा मैं घुमा दूँ। इसका अभ्यास मुझे दिल्ली में हो चुका है। देखो मैं तुम्हारे केस को विधाता के पास भेज देता हूँ, तुम उनसे जाकर अभी मिल। लेकिन जाऊंगा कैसे सर? अपने इन्हीं चरणों सर। हम नहीं देखे सर, आप लेके चलिए ना। चला प्लीज सर, प्लीज प्लीज। अंग्रेजी ओके भाई सर, आई विल टेक सर। अभी लोकेशन मिला था। ताना नाना ताना नाना ताना नाना ताना नाना ताना नाना। प्रभु प्रभु प्रभु। मैंने तुम्हारा मामला देख लिया है, देख लिया है। क्या चाहते हो? आप सीरियसली ले तो मैं आपको प्रभु को, प्रभु रंजना को मुझसे प्रेम करने का हुक्म दी और वो बच्चा हेडमास्टरनी को डिसमिस कर दे। जहाँ तक प्रेम का संबंध है हमारे यहाँ संविधान से बंधे हैं। प्रेम पब्लिक सेक्टर में नहीं प्राइवेट सेक्टर में है। और वो हेडमास्टरनी भी अब हमारी नौकरी में नहीं है, परंतु हम दूसरा पक्ष सुनकर समझौता कराने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। देवी रंजना हाजिर हो, देवी रंजना हाजिर हो। देवी रंजना, आपको इस संबंध में क्या है कहना? प्रभु, हमारी दुनिया में हमें स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए जो हमारे संपर्क में आता है हमें उसी से प्रेम करना पड़ता है। ये प्रेम तो हमारे घर बचपन से आता रहा है। पिताजी से पान सिगरेट मंगवाते थे। मेरे माता पिता इतने सख्त हैं कि ना मुझे अकेली कहीं जाने देते थे, ना किसी पुरुष को घर आने देते थे। इसी मजबूरी में जो हमारा संबंध बना उसे हम प्रेम कहने लगे। मेरा बस चलता तो मैं विनोद से प्रेम करती, मुझे बहुत पसंद था, किंतु उसके पिता ने मेरे बाबूजी को सस्पेंड करा दिया था, इसलिए उसका हमारे यहाँ आना जाना नहीं होता था। मगर यहाँ पे स्वतंत्रता है, मैं यहाँ अपनी इच्छा से प्रेम कर सकती हूँ, इसलिए विनोद से प्रेम करती हूँ और उसे मैं शादी करूँगी। सुन लिया तुमने, तुम क्या चाहते हो? अब यही कहना है कि हमें ऐसी जगह नहीं रहना, हमें वापस हमारे संसार भेज दिया जाए। यहाँ का भरोसा झूठा निकला। तुम बेवकूफ, इस लोक से उस लोक, उस लोक से इस लोक भागते फिरोगे या कुछ करोगे भी? प्रभु, लड़की की माता का कोटा खत्म हो चुका है। 5 बेटियाँ देनी थी तो दे चुके, अब ये उसी परिवार में जन्म नहीं ले सकते। हाँ, लड़के के बाप का अलबत्ता 1 बेटा बकाया। अजीब धांधली है। अरे हम यहाँ भी अपने बाप नहीं चुन सकते। अरे किसी को एक लड़की दे देने से क्या यहाँ लड़कियों का स्टॉक खत्म हो जाएगा? तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है प्रेमी महोदय, किसी दुर्घटना में मारे गए थे क्या? इतनी जल्दी वो दुनिया क्यों छोड़ रहा है? मैं प्रेम के कारण आत्महत्या करके आया हूँ।
वहाँ तो दुनिया वाले हमारी शादी नहीं होने दे रहे थे। हम दोनों एक साथ नदी में कूद पड़े। लेकिन बात तो तुम इस तैश में करते हो जैसे किसी आंदोलन में शहीद होकर आए हो, और कोई काम धंधा नहीं बचा था जो यहाँ चले आए। देवी रंजना, आपका नया प्रेमी जानेगा कि आप इसके प्रेम में आत्महत्या करके यहाँ आई हो, तो वो भी आपको छोड़ देगा क्योंकि यहाँ सुंदरिया की कमी नहीं है। प्रभु, 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 प्रभु! यहाँ सुंदरियों की कमी नहीं है प्रभु। ये दुनिया हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई, पर कुछ निश्चित नहीं है। घर की स्वतंत्रता बर्दाश्त नहीं हो सकती, कोई किसी के प्रति सच्चा नहीं हो सकता। आप तो हम लोगों को वापस हमारी दुनिया में भेज दीजिए, चाहे कहीं भी भेज दीजिए। मगर अभी कठिनाई है, जो यहाँ प्रेम में आत्महत्या करके आते हैं उन्हें दोबारा मनुष्य बनने का अधिकार नहीं है। उन्हें जिन कारण से जीना चाहिए वे उन्हीं कारणों से मर जाते हैं। तुम मनुष्य बनकर प्रेम करके देखिए, तुमसे बना ही नहीं, तुम में हिम्मत ही नहीं उसे निभाने की। तुम दोबारा ये सब झंझट में मत पड़ो, कोई और जीवधारी बनो जो मनुष्य की तरह प्रेम करने को बाध्य नहीं हो। बोलो कौन सा जीवधारी बनो, बोल कौन सा जानवर बनेगा, बोल क्या बनेगी। तुम बताओ पहले, तुम बताओ पहले, तुम बताओ। मैं सुसंस्कृत पुरुष हूँ, लेडी फर्स्ट, पर मैं स्त्री हूँ, पुरुष की अनुगामी नहीं। तुम प्रभु।